वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे पतंजल गिलोय स्वारस के बारे में। ये जो फ्रेंड्स गिलोय का रस है ये फ्रेंड्स आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जी गिलोय का जो रस होता है वो फ्रेंड्स बुखार के लिए होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार रहता है, बुखार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इस गिलोय का रस का सेवन कर सकते हो और फ्रेंड्स आप बुखार से छुटकारा पा सकते हो। ये जो फ्रेंड्स गिलोय का रस है ये फ्रेंड्स हड्डियों तक का बुखार को गायब करने का काम करता है। अगर आपके हड्डियों में बुखार है तो ये जो फ्रेंड्स गिलोय का रस है उसको भी खत्म करने का काम करता है, हड्डियों के बुखार को निकालने का काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको डेंगू है, अगर आपको मलेरिया है, बुखार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करता है। गिलोय का रस है ये फ्रेंड्स गठिया रोग को भी खत्म करने का काम करता है। अगर आपका प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन है तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इस सिरप का सेवन करके इजिली अपने प्लेटलेट को भी बढ़ा सकते हो। गिलोय का जो फ्रेंड्स रस होता है वो फ्रेंड्स आपके शरीर में खून को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो ऐसे फ्रेंड्स आप इस गिलोय के रस का सेवन करके इजीली आप जो है खून को भी बढ़ा सकते हो। और फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स रस है ये फ्रेंड्स आपके डाइजेशन प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या है, आपका खाना सही से हजम नहीं होता है, तो ऐसे फ्रेंड्स आप इस गिलोय के रस का सेवन करके इजीली आप जो है अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो रस है ये फ्रेंड्स मूत्र विकारों जैसी समस्याओं को भी दूर करने का काम करता है। अगर आपको मूत्र विकारों जैसी समस्या है तो ऐसे फ्रेंड्स आप इस गिलोय का रस का सेवन कर सकते हो और फ्रेंड्स मूत्र विकारों जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो सिरप है ये फ्रेंड्स पीलिया रोग में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको पीलिया हो गया है तो ऐसे फ्रेंड्स आप इस गिलोय रस का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो रस है ये फ्रेंड्स आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि फ्रेंड्स आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है, उसको फ्रेंड्स इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि फ्रेंड्स आपका जो शरीर है वो फ्रेंड्स रोगों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके, रोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तो ऐसे फ्रेंड्स अगर आप इस सिरप का 1 से 2 महीने तक सेवन करते हो तो फ्रेंड्स आपको सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा, आपको सभी रोगों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं गिलोय रस के सेवन विधि के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सेवन विधि के बारे में तो फ्रेंड्स आपको आधा ग्लास पानी लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 15 से 25 ml उसमें फ्रेंड्स आपको स्वरस को डालना है। इसके बाद फ्रेंड्स अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको सुबह और शाम में दोनों टाइम पीना है, जो कि फ्रेंड्स आप इसे खाना खाने के बाद भी पी सकते हो, आपको खाना खाने के पहले भी पी सकते हो, इसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका सेवन कम से कम फ्रेंड्स आपको 1 से 2 महीने तक करना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस सिरप के प्राइस रेट के बारे में तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस रेट है वो फ्रेंड्स बहुत ही कम है, मात्र फ्रेंड्स 90 रुपए इस सिरप का प्राइस रेट है। और फ्रेंड्स 90 रुपए में आपको मिलने वाला फ्रेंड्स 500 ml सिरप। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा फ्रेंड्स आप देख सकते हो 500 ml सिरप आपको मिल जाएगा मात्र 90 रुपए में। और फ्रेंड्स जानते हैं इस गिलोय के रस को बनाने के लिए किन किन जड़ी बूटों का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स इस रस को बनाने के लिए खास करके गिलोय का प्रयोग करके इस सिरप को बनाया गया है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सिरप है, बहुत ही अच्छा सिरप है। तो फ्रेंड्स यह एक आयुर्वेदिक सिरप है जो आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाने वाला है, विदाउट साइड इफेक्ट के आप इस सिरप का सेवन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस सिरप का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, फिर जाके इस सिरप का सेवन करें। तो फ्रेंड्स अगर आप इस सिरप को बाय करना चाहते हो, इस सिरप को खरीदना चाहते हो, तो फ्रेंड्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां से आप इस सिरप को बाय कर सकते हो और इस सिरप के बारे में फ्रेंड्स और भी जानकारी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।